सो गाइस, फाइनली सुजुकी कंपनी ने अपनी जिक्सर SF250 को लॉन्च कर दिया है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे न्यू सुजुकी जिक्सर SF250 BS6 2022 वेरिएंट, 2022 मॉडल आप इसे कह सकते हैं, और इसे काफी बेहतरीन लुक और एक नए कलर वेरिएंट के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया है। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, A to Z सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको 2022 के नए अपडेट में क्या नई चीज देखने को मिलती है और क्या नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज की अब आपको इसकी ऑन रोड प्राइस कितने रुपए देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर AKB। दोस्तों वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो स्क्रीन पे आपके सामने है न्यू सुजुकी जिक्सर SF250 BS6 2022 वेरिएंट। गौर कीजिएगा, 250 में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला वेरिएंट जो कि आप ये फेयरिंग मॉडल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक आपको इसमें देखने को मिलता है, और इसी का एक दूसरा वेरिएंट आता है जिसमें आपको नेकेड वेरिएंट देखने को मिलता है। इसका जो दूसरा वेरिएंट है जिसमें आपको नेकेड स्पोर्ट लुक देखने को मिलता है, उसका रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन पॉपअप कर रहा होगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम इसके फेयरिंग मॉडल का रिव्यू करेंगे और चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लुक की, ठीक है। तो लुक हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इसका ये लुक कितना ज्यादा पसंद आता है। ये जो कलर आप देख पा रहे होंगे ये न्यूली 250 में लॉन्च किया गया है, इसे ग्रेफाइट ब्लैक भी आप कह सकते हैं, मतलब काफी ज्यादा खूबसूरत मैट फिनिश में आपको कलर भी देखने को मिलता है और साइड साइड में आपको स्टिकर और स्टिपिंग देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं हम इसके प्राइस की। दो वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिलते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, नेकेड और फेयरिंग। तो ये इसका फेयरिंग मॉडल है। इसके एक्स शोरूम प्राइस की हम बात करें तो ये आपको 1,87,933 रुपीज, 1,87,933 रुपए देखने को मिलेगी कंप्लीट एक्स शोरूम प्राइस इलाहाबाद प्रयागराज की, ठीक है। जो इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस बनेगी वो आपको 2,19,000 से 2,20,000 रुपए के बीच में इसकी कंप्लीट ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी इलाहाबाद प्रयागराज की, ठीक है। तो ये थे इसके प्राइस की बात, और चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रंट से हम शुरू करेंगे, तो फ्रंट में यहाँ पे आपको जो ब्रेक मिलता है काफी बड़ी डिस्क की साइज देखने को मिलती है, डिस्क ब्रेक मिलता है लगभग 300 mm की डिस्क की साइज देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है। तो गौर कीजिएगा, फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, तो ब्रेकिंग आपकी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। अलॉय व्हील आपको इसका डायमंड कट टाइप का देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा इसके लुक को एनहांस करता है, और इसके अलॉय व्हील के किनारे किनारे पे आपको येलो कलर की स्टिपिंग देखने को मिल जाती है जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा बेहतर बनाते हैं। ABS ब्रेकिंग सिस्टम का सपोर्ट मिलेगा तो ब्रेकिंग भी आपकी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। वहीं फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट में आपको 110/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा, तो टायर भी आपको ट्यूबलेस मिलते हैं। वहीं अगर हम इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, तो सस्पेंशन क्वालिटी को लेके नो डाउट इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। फ्रंट से अगर हम लुक की बात करें तो फ्रंट से आपको लुक इसका काफी ज्यादा स्पोर्टी देखने को मिलता है, और मेन हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पे हमेशा की तरह आपको फुल LED सपोर्ट के साथ हेडलैम्प देखने को मिलता है जो कि इसके लुक को भी काफी इनहेंस करता है। काफी यूनिक डिजाइन में आपको इसका आगे का लुक भी देखने को मिलेगा, और फुल LED हेडलैम्प का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, तो विजिबिलिटी आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलती है। विजिबिलिटी को लेकर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये फुल LED सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलती है, तो विजिबिलिटी को लेकर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो इसके इंडिकेटर है वो आपको रेगुलर डिजाइन के बल वाले इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिल जाती है। हेडलैम्प के ऊपर आपको एक ट्रांसपेरेंट कलर का विंडशील्ड देखने को मिल जाता है जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करता है, और साथ ही साथ आपको रेसिंग करते टाइम काफी ज्यादा हेल्प भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके जो मिरर है वो आपको बॉडी से अटैच देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा बेहतर लुक में आपको मिरर देखने को मिल जाता है, और इसके मिरर का जो डिजाइन है वो भी आपको काफी बेहतर डिजाइन देखने को मिलता है। आते हैं स्विचिंग क्वालिटी पे, तो लेफ्ट हैंडल बार पे आपको लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच के साथ साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, तो स्विचिंग क्वालिटी भी आपको काफी ज्यादा बेहतर मिलती है। और वहीं राइट हैंडल बार पे आपको इंजन किल स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिलता है, तो स्विचिंग क्वालिटी इसमें आपको काफी ज्यादा बेहतर मिल जाती है। क्लिप ऑन हैंडल बार का इसमें आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा, तो आपका राइडिंग पोस्चर भी काफी
40 हो जाता है। और यह है इसका मेन मीटर कंसोल, जो कि आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा कलरफुल डिस्प्ले के साथ में। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, वॉच, ये सारी चीजें आपको फुल डिजिटल देखने को मिलती है। मीटर कंसोल आपको नेगेटिव LCD टाइप का देखने को मिलता है, तो डे टाइम में भी इसकी विजिबिलिटी आपको काफी बेहतर मिलती है। यहाँ पे आपको दो बटन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे कि आप अपने मीटर कंसोल में ट्रिप मीटर को सेट कर पाएंगे। और उसके साथ इसमें आपको न्यूट्रल इंडिकेटर और ABS इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो मीटर कंसोल इसमें आपको हमेशा से ही फुली अपडेटेड मीटर कंसोल देखने को मिलता है। आगे बढ़े फ्यूल टैंक की बात करें, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 12 लीटर की देखने को मिलेगी, यानी टैंक की कैपेसिटी आपको 12 लीटर की देखने को मिलेगी। और टैंक पे आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है, काफी अग्रेसिव इसकी डिजाइन रखी गई है, काफी मस्कुलर टैंक देखने को मिलता है। और इसमें आपको फेयरिंग देखने को मिल जाती है, चारों तरफ से आपको फेयरिंग देखने को मिल जाती है, तो काफी स्पोर्टी लुक भी इसको प्रोवाइड करता है। और टैंक के दोनों ही साइड आपको सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है 3D एम्बर्ड क्रोम फिनिश के साथ में। आगे इसके फेयरिंग पे आपको जिक्सर SF की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है। और उसके नीचे आपको 250 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि स्टिकरिंग में रखी गई है येलो कलर की। तो ये इसके कॉम्बिनेशन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई सिस्टम मिलता है, तो फ्यूल इफिशियंसी आपकी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है, जिससे कि इसका माइलेज भी आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। ठीक है, इंजन की बात करें तो इसमें आपको 249cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है। जो मैक्स पावर मिलेगी वो आपको 26.5 PS की मिलेगी 9300 RPM पर, जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो आपको 22.2 Nm का मिलेगा 7300 RPM पे। तो पावर और टॉर्क भी आपको इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर देखने को मिलेगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको 6 गियर देखने को मिल जाते हैं, तो 6 गियर पे आपको हाईवे राइडिंग भी काफी बेहतर मिलती है। और इंजन के नीचे आपको इंजन काउल भी देखने को मिलता है, जो कि इसकी फेयरिंग से अटैच है, और उस पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो इसका जो फेयरिंग है वो आपके इंजन को भी काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, इसमें मिट्टी वगैरह नहीं जा पाती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके सीटिंग कंफर्ट की। तो सीटिंग कंफर्ट में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, आरामदायक सीट देखने को मिलती है, चौड़ी सीट देखने को मिलती है, और जो राइडर का सीट है वो भी आपको कंफर्टेबल देखने को मिलता है, और पिलियन राइडर का भी सीट आपको काफी कंफर्टेबल देखने को मिलता है। आगे आपको एक स्प्लिट ग्रैब रेल देखने को मिलेगा बॉडी कलर से मैच करता हुआ, तो ये आपको काफी स्ट्रांग पकड़ भी प्रोवाइड करता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको साड़ी गार्ड प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, तो आपको बाहर से लगवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। साइड में आपको इसके फेंडर पे साइड रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा बेहतर बनाता है। रियर सेक्शन में रियर टेल लैंप की बात करें तो रियर का टेल लैंप भी आपको फुल LED सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है, तो रियर का टेल लैंप भी आपको LED देखने को मिलता है। और जो रियर के इंडिकेटर हैं वो भी आपको बल्ब वाले इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। रियर सेक्शन में रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और इसमें भी आपको ABS का सपोर्ट मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डुअल चैनल ABS सपोर्ट के साथ आती है, तो दोनों ही ब्रेकिंग में आपको ABS का सपोर्ट मिलता है, तो ब्रेकिंग आपकी काफी जबरदस्त हो जाती है। रियर का जो टायर है वो आपको 150x60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा, तो पीछे वाले टायर की चौड़ाई भी आपको काफी हद तक बेहतर देखने को मिलती है, तो आपको कॉर्नरिंग करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलॉय व्हील पे आपको येलो कलर की स्टिपिंग देखने को मिलती है, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा स्पोर्टी बनाते हैं। वहीं रियर सेक्शन में रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन देखने को मिलता है, जिसे हम लिंक सस्पेंशन भी कह सकते हैं, तो सस्पेंशन क्वालिटी भी आपको काफी बेहतर मिलेगी। और ये है इसका मेन अट्रैक्शन, ये है इसका ट्विन बैरल एग्जॉस्ट, जिसके कॉर्नर पे यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, यानी मफलर कवर देखने को मिल जाता है, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा इनहेंस करता है। और इसका जो एग्जॉस्ट है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है, इसके लुक को काफी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। तो इसका एग्जॉस्ट इसका अट्रैक्शन है, मतलब इसका एग्जॉस्ट आपको काफी स्पोर्टी देखने को मिलता है, और इसके ऊपर भी आपको क्रोम कलर का मफलर कवर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके जूते को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ ब्रेक पैडल पे आप देख पा रहे होंगे आपको साइड में सपोर्टर देखने को मिल जाता है, तो इससे आपका पैर इंजन की तरफ स्लिप नहीं होता है, तो ये भी काफी सही चीज है। तो लगभग सारी बातें हो गई, लास्ट में बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। तो इसकी जो लंबाई हुआ आपको 2010 mm, चौड़ाई 740 mm, हाइट 1035 mm, व्हील बेस 1345 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm, सीट हाइट 800 mm, और जो इसका कर्व वेट है वो आपको 161 kg का देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी ये बाइक आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।